हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर स्टडिंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थ्री टर्म्स, एसेट्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज हैं आगे चल के जब आप अकाउंटिंग करने लगते हैं, जब आप टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगते हैं या कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तब सीधा सीधा एक तरह से ये टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आती हैं। उस वक्त शायद इतना समय नहीं होता कि भाई किसी भी चीज़ के मीनिंग पर जाया जाए। ये वही बातें हैं जैसे कि भाई किसी भी कलर के बारे में, किसी फ्रूट के बारे में, कंट्री के बारे में बचपन में सिखाया जाता है। बड़े होने के बाद तो आप सीधा चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, और शायद तब शर्म भी आती है अगर आप किसी से पूछें कि भाई इस पर्टिकुलर फ्रूट का मीनिंग क्या है, या इस वेजिटेबल को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ भी। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो जितनी हमारी स्ट्रांग होती है, फिर उसके ऊपर उस सब्जेक्ट को खड़ा करना, उस सब्जेक्ट को समझना, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना, कॉन्फिडेंट होना आसान होता है। इसलिए मैं बहुत ध्यान से अपनी तरफ से आराम आराम से ये आपको सभी मीनिंग्स बता रहा हूँ, और आप भी जल्दीबाजी ना करके पेशेंटली इनको पढ़ें, समझें, और जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी करते रहें। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। दिस इज़ अबाउट एसेट्स। देखिए, जहाँ तक सवाल है एसेट्स का, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एसेट हमारी क्या होती है? वो चीज़ जिसकी एक कीमत है और हम उसके मालिक हैं। नहीं, ये भी तो जरूरी है ना। अब मान लेते हैं कि बिरला के पास इतनी एसेट्स हैं, टाटा के पास इतनी एसेट्स हैं, वो उनकी है, मेरी थोड़ी है। तो एक बिजनेसमैन के एंगल से अगर देखा जाए तो एसेट्स कौन सी एसेट्स मानी जाएंगी? वो जो कि ओन बाय बिजनेस है। तो सबसे पहले मैं एसेट्स वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बाय एसेट्स मीन्स एसेट्स ओन बाय बिजनेस। बात तो ठीक है ना, जिसका मालिक बिजनेस है वही तो एसेट मानी जाएगी, अदरवाइज वो कहाँ की एसेट, अनलेस इट इज ओन्ड बाय बिजनेस। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। मैंने एग्जाम्पल लिया था नीरज गुप्ता और NGPA कॉलेज अलग अलग है। यानी कि जब मैं NGPA कॉलेज की बैलेंस शीट बनाऊंगा या NGPA कॉलेज के एंगल से एसेट की बात करूंगा, तो मैं उस एसेट की बात करूंगा जो NGPA कॉलेज की है। सपोज नीरज गुप्ता के घर में एक रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, कार है, वो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एसेट नीरज गुप्ता की है, बिजनेस की नहीं। बिजनेस ने अगर कोई कंप्यूटर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, वो कंपनी की बैलेंस शीट में, यानी NGPA कॉलेज की बैलेंस शीट में आएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि मालिक की अपनी जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको हम काउंट नहीं करते। हम एसेट्स में किसको काउंट करते हैं? विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, करेक्ट। और आगे मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी हैविंग अ वैल्यू। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत खत्म हो जाती है समय के साथ, राइट ऑफ हो जाती है। समझे कि अगर आज उसको हम मार्केट में बेचने जाएं तो शायद वो 1 रुपए की भी ना बिके। तो जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, वो हमारी एसेट नहीं। एसेट का मतलब ये है कि उसकी कुछ वैल्यू है, करेक्ट, हैविंग अ वैल्यू। सवाल कम ज़्यादा का नहीं है, सवाल ये है कि उसकी कोई कीमत होनी चाहिए। बिल्कुल आउटडेटेड, यूजलेस, टूटा हुआ प्रोडक्ट को आप एसेट नहीं मान सकते। ये वैसा है जैसे कि माना, जैसे आप टेलीविजन का एग्जाम्पल लें तो एक टेलीविजन अपने आप में एक वैल्यू रखता है ना, चाहे वो पुराना हो। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में भी अगर बिल्कुल पुराना थका हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी हो, तब भी शायद वो किसी पर्पस के लिए काम आ जाए, और कुछ नहीं तो शायद, मुझे पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, कि टेक्नोलॉजी वाइज किसी CCTV कैमरा से अटैच करके उसमें हम व्यू देख लें कि हमारे गोडाउन के अंदर कौन वर्कर क्या कर रहा है, तो कुछ तो उसका यूज़ है ही ना। सो एसेट मीन्स एन एसेट विच इज ओन्ड बाय बिजनेस एंड हैविंग अ वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे आपकी किताब में या स्क्रीन पर कि जो शुरुआत में दिया है टेंजिबल इनटेंजिबल, अभी मैंने उस पर नहीं बोला, वो मैं थोड़ा अभी बाद में बताता हूँ आपको। मैंने अभी आपको दो कंसेप्ट बता दिए एसेट के बारे में। पहली बात मैंने बताई एसेट इज ओन्ड बाय बिजनेस, और दूसरी बात मैंने आपको बताई दैट एसेट इज हैविंग अ वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, क्योंकि बैलेंस शीट में भी आपको ये टर्म नजर आएगी, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट होती है जो लंबे समय के लिए चलती है, जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, जो हम बिजनेस चलाने के लिए खरीदते हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करती है, बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है, उन चीजों को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे मेरी बिल्डिंग, सपोज मेरे बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है,
तो वो मेरी फिक्स एसेट है। मेरी बिल्डिंग के पास पांच सॉरी मेरे बिजनेस के पास पांच कंप्यूटर्स हैं, वो मुझे बिजनेस रन करने में हेल्प करते हैं। प्रिंटर्स हैं, सपोज़ अब NGPA कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, सपोज़ मेरे पास 500 चेयर्स हैं, 10 वाइट बोर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मेरी एसेट्स हैं। फैंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ना, एयर कंडीशनर्स हैं जो क्लासरूम्स में लगे हुए हैं, सपोज़ ये सब चीज़ें क्या हैं, मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं। बात समझ में आ रही है? सो दीज आर हेल्ड नॉट फॉर रीसेल, ये मेरी नॉन करंट एसेट्स हैं। बेटर है कि इसको हम फिक्स एसेट्स के नाम से समझें। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट लायबिलिटी सेंस में यूज कर लिया गया है, अदरवाइज एसेट्स को हम समझें फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स जो है, टेली में भी फिक्स एसेट्स करके ग्रुप होता है, तो अगर हम फिक्स एसेट समझते हैं तो ये अपने आप में करेक्ट टर्मिनोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फिक्स एसेट्स आर हेल्ड नॉट फॉर रीसेल, ये बेचने के लिए नहीं रखी जाती हैं, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कोई आदमी कंप्यूटर बेचता है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जो आदमी कंप्यूटर बेचता है, ऐसा नहीं कि उसके ऑफिस का सारे कंप्यूटर फॉर सेल होंगे। वो कह सकता है नहीं सर, इस कंप्यूटर को तो मैं बिलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर को तो मैं हिसाब किताब रखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ऑर्डर्स इशू करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दिस कंप्यूटर इज़ नॉट फॉर सेल, ये जो आपको सामने शेल्फ में रखे हुए नज़र आ रहे हैं कंप्यूटर्स, ओनली दे आर फॉर सेल। बात समझ में आ रही है? सो फिक्स एसेट्स वो असेट्स होती हैं विच आर नॉट फॉर रीसेल, वो बेचने के लिए नहीं होती, वो अपने लिए होती हैं और वो बिजनेस के पास रहती हैं, ठीक है ना। वो या तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती है, अब जैसे गोल्ड है, लैंड है, कोई भी बिजनेस उसको खरीद के रख सकता है ये सोच के कि चलो भाई ठीक है मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो गई और लॉन्ग रन में ये मेरे को काम आएगी, तो बिल्कुल एज इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो आराम आराम से पेशेंटली दोबारा सुनिए, फिक्स एसेट्स आर नॉट फॉर रीसेल एंड दे आर ऑल्सो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, उनको हम इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी रखते हैं। एंड दे फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, ये बात भी इसके अंदर मैंने आपको पहले बताई थी कि उनके होने से हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं दे गो बेटर, दे गो मोर स्मूथ नेचुरली। अब एक बिजनेस के अंदर अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बेटर कंप्यूटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं, बिल्डिंग अगर अपनी हो तो बार बार किराए पर बदलना नहीं पड़ता, सो दे फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशंस, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट दे हेल्प टू इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी, जो बिजनेस की पैसा कमाने की क्षमता होती है उसको वो इम्प्रूव करते हैं, राइट। ये भी तो हम बोल ही सकते हैं ना, दे हेल्प टू इम्प्रूव बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे हैं मैं फिक्स एसेट से क्या रेफर करना चाह रहा हूँ, आई एम रेफरिंग बिल्डिंग्स, मशीनरीज, फर्नीचर, लैंड्स, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। सो दे आर नॉट फॉर रीसेल, दे आर ईदर एज इन्वेस्टमेंट और दे हेल्प द बिजनेस ऑपरेशंस, दे हेल्प टू इम्प्रूव द बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं एसेट। और एसेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं दैट दे आर ओन्ड बाय बिजनेस एंड दे आर हैविंग ए वैल्यू। अब इनको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, टेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन सी हो गई, जिनको हम छू सकते हैं, अगेन वही एग्जाम्पल फिर से आएंगे लैंड बिल्डिंग वगैरह, और इनटेंजिबल एसेट्स जिनको हम नहीं छू सकते। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स आ जाती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, ध्यान से समझिएगा, एसेट्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करेक्ट। वैसे दोनों ऑलमोस्ट फिक्स एसेट्स ही हैं, कोई इतना इनका क्लासिफिकेशन आगे जाके कोई बहुत फर्क करने वाला हो अकाउंटिंग सेंस में ऐसा नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ बेटर दैट वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी, इनटेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम मान के चलते हैं कि ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। गुडविल क्या होता है आप समझते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है आप समझते हैं, पेटेंट और ट्रेडमार्क शायद ना समझते हो तो मैं समझाता हूँ। पेटेंट होता है जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई इन्वेंशन की, अब इन्वेंशन तो आमतौर पर दिमाग में आते ही हम सोचने लगते हैं कि साइंस में कोई साइंटिफिक चीज़ डेवलप कर दी, नहीं, अगर कोई कोल्ड क्रीम भी ऐसे बनाई है जिससे हम जिसमें खुशबू आए, जिससे हम जवान दिखने लगें, तो वो भी अपने आप में एक साइंटिफिक इन्वेंशन ही है।
अब मैंने सपोज ऐसी कोल्ड क्रीम बनाई है जिसमें जो है बड़ी महकती हुई खुशबू आती है, अगर मैंने कोल्ड क्रीम लगाई हो तो पूरा कमरा महक जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा ना सही तो थोड़ा पकड़ लीजिए, और मैं बहुत सुंदर और यंग दिखने लगूंगा सपोज। अब इस फॉर्मूले को मैं पेटेंट करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली कोल्ड क्रीम सिर्फ NGPA कोल्ड क्रीम ही निकले इस तरह की, है ना, या कुछ भी नाम, आप हंसी नहीं गई। तो अब इस चीज़ को मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा देखो जी ये बनाने का मेरा फार्मूला है, सबसे पहले ये कंसेप्ट मैंने दुनिया में डेवलप किया, अब इसको कोई और चोरेगा नहीं, कोई और यूज़ नहीं करेगा, ये मेरा फार्मूला है और इसको आप पेटेंट कर दीजिए। तो गवर्नमेंट उसको पेटेंट अगर कर देती है तो वो फार्मूला मेरा हो गया, राइट। अब वो मेरी अपने आप में एक एसेट है, जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई तो मेरी बिल्डिंग है ना, ना मेरे से जो बिल्डिंग खरीदता है उसकी फिर वो एसेट बन जाती है। इसी तरह से अगर वो पेटेंट मैंने डेवलप करके अपने नाम पर रजिस्टर करके किसी को बेच दिया तो जिसने खरीदा उसके लिए भी तो फिर वो पेटेंट उसकी एसेट बन गई। सपोज मैंने फार्मूला डेवलप किया, मैं उस कंपनी को नहीं चलाना चाहता, मैंने किसी बड़ी कंपनी को वो फार्मूला बेच दिया, मेरी चीज़ मैंने डेवलप की मैंने बेच दी, तो वो पेटेंट उनका फार्मूला बन गया और अब वो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं पेटेंट राइट। तो वो भी अपने आप में एक एसेट मानी जाती है। इसी तरह से होता है ट्रेडमार्क। देखिए जहां तक ट्रेडमार्क का सवाल है, ट्रेडमार्क जैसे आपने देखा होगा एक लिखने का स्टाइल होता है कोका कोला या मैकडोनल्ड्स, ये कहलाते हैं ट्रेडमार्क। अब अगर किसी बेवरेजेस की बॉटल पे कोका कोला लिखा है तो लोग पी लेते हैं पूरे वर्ल्ड में, मैकडोनल्ड्स है बर्गर खा लेते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। इसी तरह से तो मैंने बहुत बड़े एग्जाम्पल लिए, हर प्रोडक्ट का, हर कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, जो बहुत ही नई कंपनीज है मान लेते हैं उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, बट वैल्यू तो वैल्यू है। अब अगर मान लेते हैं मैंने किसी कंपनी का ट्रेडमार्क खरीदा है तो वो भी तो मेरी एक एसेट है, तो वो वैल्यूएशन वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है, वो भी एक एसेट है अगर मैंने कोई ट्रेडमार्क खरीद के रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, इसी तरह से है कि मैंने कोई गुडविल वाला बिजनेस खरीदा, कोई मैंने पेटेंट राइट खरीदा, कोई मैंने ट्रेडमार्क खरीदा, कोई मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, ये चीज़ें किस में आती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स में, और इनको भी हम अपनी बैलेंस शीट में खरीदते हैं तो लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अबाउट द कंसेप्ट ऑफ करंट एसेट्स। देखिए जहां तक सवाल है करंट एसेट्स का, इसमें वो एसेट्स आती हैं जो कि रोटेट होती रहती हैं, पैसे में कन्वर्ट हो जाती हैं बार बार, और उसके बाद फिर एक तरह से वो बदलती रहती हैं, है ना। करंट एसेट्स बेसिकली इसमें आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, जो पैसा आपने लेना है, स्टॉक, डेटर्स। डेटर कौन होता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जिसको हमने उधार माल बेचा और अब हमने उससे पैसा लेना है, तो जिससे हमने पैसा लेना है वो हमारा डेटर है। ऐसे हमारे पास स्टॉक होता है, आज खरीदा कल बिक गया, फिर और खरीदा और बिक गया, तो ये रोटेट होता रहता है ना। सो ये होती हैं फॉर द पर्पज़ क्या है इनका, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी ये आमतौर पर वो एसेट्स होती हैं जिनको हम तुरंत फटाफट पैसे में कन्वर्ट करते रहते हैं, दे आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल है इसके स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ आर बिजनेस एसेट्स आर करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स तो थोड़ी होंगी ना, किसी भी बिजनेस के पास थोड़ी सी बिल्डिंग्स होंगी, थोड़ी मशीनरीज होंगी, ज़्यादातर तो उनके पास स्टॉक होता है, बिल्स होते हैं, जो लेन देन बिजनेस का चलता रहता है, कैश बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट है। यहाँ एग्जाम्पल में मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली हमारा जो कैश बैलेंस है या जो हमारा बैंक बैलेंस है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एसेट्स इंक्लूड टेंजिबल इंटेंजिबल बोथ, ऑब्वियसली द आंसर इज बोथ, है ना, क्योंकि एसेट्स में टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस लैंड बिल्डिंग, इनटेंजिबल जैसे मैंने समझाया था पेटेंट ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क गुडविल, तो एसेट्स में तो दोनों ही आती हैं। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स, अगेन्स द आंसर इज बोथ, दोनों ही इसमें पॉसिबल है। नाउ फिक्स एसेट्स आर हेल्ड फॉर रीसेल, फॉर इन्वेस्टमेंट, दोनों आंसर सही हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट आंसर करेक्ट नहीं है, फॉर रीसेल नहीं है, फिक्स एसेट्स आर नॉट फॉर रीसेल, दे आर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो बी आंसर सही है। सी टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, ये भी सही है, तो बी एंड सी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट फिक्स एसेट्स आर हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, फिक्स एसेट्स हेल्प्स इन इंप्रूविंग बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी,
बिल्कुल ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है ए। इंटेंजिबल एसेट्स, क्वेश्चन 35। इंटेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस? नो, डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यस। सो 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। टेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए थोड़ा सा मैं जब ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा रिक्वेस्ट की कि पहले आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस खुद करने हैं, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर आप देखेंगे कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज एक क्विक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो टेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो 36 का आंसर हो गया ए। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो लैंड करेक्ट आंसर है, बिल्डिंग भी करेक्ट आंसर है। सो बोथ इसका आंसर हो गया 37 का सी। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे 38। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, इसका आंसर भी बोथ हो गया कि दोनों ही इसके सही एग्जाम्पल हैं। करंट एसेट्स रेफर टू एसेट्स विच कन्वर्ट इन टू कैश विद इन वन ईयर आफ्टर वन ईयर? नो, विद इन वन ईयर होता है उसको हम बेसिकली करंट एसेट्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, क्वेश्चन नंबर 40। मशीनरी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो फिक्स एसेट है। स्टॉक है, लैंड भी फिक्स एसेट है, तो बी स्टॉक इज माई आंसर। ठीक है जी, चलिए अब हम इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट और ले रहे हैं। दिस इज समथिंग अबाउट रिसीट्स, रेवेन्यू। वैसे मेरे ख्याल से मैं आपको पिछली, तो कह नहीं सकता पिछली, मतलब इसी चैप्टर में एक वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल ऑफ सेल्स। अब मुझे एग्जैक्टली एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, किसी रेफरेंस में आया था, तब मैंने आपको समझाया था कि रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, और उसमें से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो फिर जो फिगर बचती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ सेल्स और टोटल ऑफ सर्विसेज जो होता है वो होता है हमारा रेवेन्यू, राइट? तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें दो हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है। वन इज रेवेन्यू रिसीट्स, कि भी रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं, जो कि रेकरिंग होती हैं। अब जैसे बिजनेस है, उसमें रोज पैसे आएंगे जाएंगे, कुछ ना कुछ आवागमन पैसे का लगा रहता है, तो रेवेन्यू रिसीट से हमारा मतलब होता है वो पैसा जो कॉन्टिन्यूसली आता है। अब एक दुकानदार सामान बेचता है, कुरियर वाला कुरियर करता है, मान लेते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर सर्विसेज दी जा रही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, कोई पंखा बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है, तो व्हाटएवर जो पैसा आ रहा है दिस इज रेवेन्यू, रेकरिंग रोज आ रहा है। अब हो सकता है कोई कोई दुकानदार बेचारा ऐसा हो जिसका माल रोज ना बिकता हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट फिर भी उसको हम यही मानेंगे कि रेकरिंग है, एक दिन नहीं बिकेगा, दो दिन में बिकेगा, तीन दिन बिकेगा, नहीं तो वो दुकान ही बंद कर देगा। तो कहने का मतलब है कि वो पैसा जो रोज आता है अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, है ना, तो ये क्या है, रेकरिंग रिसीट्स हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो कभी कभी आती हैं, जैसे सेल ऑफ लैंड, कंपेंसेशन रिसीव्ड, ये है हमारा एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो रिसीट्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू वो है, मैंने आपको फिर बोला, वो पैसा जो हम रिसीव करते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया रेकरिंग नेचर का, और कैपिटल रिसीट जो कभी कभी होती है, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, या कंपेंसेशन, कभी रेयरली कोई ऐसी बात होती है कि सरकार से हमें कंपेंसेशन मिलता है, या जिनके साथ हमारी बिजनेस डीलिंग्स है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फॉल्ट कर देते हैं तो वहां से हमें कंपेंसेशन मिलता है, सो बहुत रेयर। सो कैपिटल रिसीट्स आर यूजुअली रेयर, जबकि जो रूटीन में रिसीट्स आती हैं, रेवेन्यू आता है, उसको हम रेवेन्यू रिसीट या रेकरिंग रिसीट बोलते हैं। तो ये कोई बहुत टेढ़ा कंसेप्ट नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल ना लेके आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस पे। रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव्ड और पेबल, ऑब्वियसली इट इज अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा है रेवेन्यू रिसीट्स आर जनरेटेड अगेंस्ट गुड्स, करेक्ट। रिसीविंग फीस, करेक्ट। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये भी करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव, दिस इज माई आंसर। चलिए 43, रेवेन्यू रिसीट्स आर रेकरिंग, राइट। देन कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट्स तो कैपिटल नेचर की ही होंगी कि कभी कभी मिलती हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट इज, कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल तो सेल ऑफ लैंड ही, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स से तो रेवेन्यू रिसीट होगी, सेल ऑफ लैंड, दैट इज माई एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट कंसेप्ट हम इस वीडियो का ले रहे हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर।
देखिए एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हमने खर्च दिया, वो पैसा जो हमारे पास से चला गया। देखा जाए तो ये रेवेन्यू का उल्टा है। रेवेन्यू का मतलब पैसा आना और एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना। और पता लगे कि पैसा जरूरी नहीं कि उसी वक्त ही चला जाए। अब जैसे मैंने बिजली का बिल आया तो जरूरी हम तुरंत ही पे करें, मे बी वी पे आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ। इसी तरह से सैलरी है, हो सकता है हम तुरंत ही दे दें महीने के एंड में, लेकिन कई बार सैलरीज आउटस्टैंडिंग होती है। इसी तरह से जब हमने सामान खरीदा कोई भी चीज़, आमतौर पर अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो कई बार हम पैसा तुरंत दे देते हैं और कई बार बाद में देते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट चलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इट इज़ फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी हम खर्च कर रहे हैं, चाहे फिर हम उससे एसेट्स लाएं, चाहे हम उससे कोई गुड्स लें, सर्विसेज लें, तो वो सारा हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब दो तरह के खर्चे हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदी, नॉन रिकरिंग, कभी कभी, रेयरली इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। तो ऐसे खर्चे जो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देंगे वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिएगा, इट विल गिव बेनिफिट इन मोर देन 1 ईयर। ये कंसेप्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये सिंपल कंसेप्ट नहीं है, ये बाद में काम आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो देखने में एकदम सिंपल ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जैसे लैंड खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर, यानी फिक्स एसेट्स को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट? तो ये वो खर्चा होता है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है, राइट? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अपनी पूरी बिल्डिंग की रिनोवेशन करवा दी। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैंने कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदी, लेकिन मैंने माना पूरी फॉल सीलिंग करवाई है, नहीं, और मैंने फ्लोरिंग भी पूरी मार्बल की करवा दी, दीवारों पर भी मैंने बहुत शानदार पेंट करवाया है, और मैंने अपने पूरे ऑफिस की एकदम ओवरऑल लुक चेंज कर दी, हाई फाई। और छोटे ही ऑफिस पर भी मैंने 20-25 लाख रुपए जो है उसके रेनोवेशन पर खर्च के एक शानदार ऑफिस मान लेते हैं बनवा दिया है। सो नाउ दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन ऑर्डनरी रिपेयर एक्सपेंडिचर। ये कोई छोटा मोटा टैप नहीं है जो टूटा हुआ था मैंने ठीक करवा दिया। नाउ दिस इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल गिव मी बेनिफिट इन मोर देन 1 ईयर। ये खर्चा मेरे को 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, तो मैं इस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलूंगा बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आमतौर पर जो हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, साथ साथ वो सारा खर्चा जो हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने एक एड फिल्म बनाई। अब आप तो खैर यंग हैं शायद, पता नहीं आपने वो टीवी में निर्मा की एड देखी नहीं देखी। एक एड आती थी वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, और वो एड जो थी वो मेरे पूरे बचपन में चलती रही 10-15-20 साल तक। अब डेफिनेटली उस कंपनी ने उस एड को बनाने में जो भी पैसे खर्चे होंगे, से उस जमाने के हिसाब से 1 लाख रुपये खर्चे, तो वो 1 लाख रुपए की एड 20 साल तक चलती रही। आजकल तो कल्चर है ना, फटाफट नई एड बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, हर एक पे एड चलती है, एफएम पे एड चलती है, तो लोग बोर हो जाते हैं तो बदलते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चल जाता था, एक ही एड चलती रहती थी सालों साल। तो अब आप सोचिए कि सपोज मैंने कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट फिल्म बनाई है अपनी कंपनी के लिए जो कि अब अगले 5 साल तक से फॉर एग्जाम्पल चलनी है, तो नाउ इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो इस खर्चे को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलूंगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर। और वो खर्चा जो तुरंत बेनिफिट देगा, कंज्यूम्ड विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, वो खर्चा जो सेम अकाउंटिंग पीरियड में मुझे खर्चा देगा, बेनिफिट देगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो जैसे एग्जाम्पल में सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं, ये हमारे रूटीन खर्चे हैं। बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई कैन से रूटीन एक्सपेंडिचर, मैं ऐसा लिख नहीं सकता बिकॉज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट अगर देखा जाए तो इट इज ऑल्सो रूटीन एक्सपेंडिचर, करेक्ट? तो इसमें जैसे मैंने कहा सैलरी, रेंट, इवन परचेजेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सामान खरीदते रहते हो आप, तो वो सारे खर्चे जो रूटीन में होते रहते हैं उनको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो सारे खर्चे जो एसेट्स खरीदने में और मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट देने वाले हैं उनको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? चलिए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्दर रिवीजन हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इज अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग गुड्स और अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ऑब्वियसली इट इज अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग गुड्स,
कोई भी चीज जो खरीदने में हमने खर्चा किया दैट इज एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में कैपिटल बिल्कुल करेक्ट, रेवेन्यू ये भी करेक्ट, सो बोथ इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का सी, देन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड। ऑब्वियसली परचेज, कैपिटल रिसीट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहा है, तो परचेज ऑफ लैंड इज माई आंसर। 48 का आंसर हो गया ए। कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन ईयर, ये तो साफ अभी पढ़ा हमने। सो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो गया बी, फॉर मोर देन वन ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज सेम। रूटीन खर्चे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए। और एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा एंड करता हूँ, ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो एकदम जंप मत कीजिए कि किसी दूसरे से पूछें या मुझसे पूछें। मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा। आप सोच रहे होंगे, सर सोच रहे होंगे कि भाई मेरे से ना पूछें, अवॉइड कर रहे हैं। नो, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, किताब में सब कुछ लिखा है, एक टेंडेंसी डेवलप कीजिए। कल को आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पर कंपनियों में काम कर रहे होंगे, हर वक्त दूसरे से पूछने वाले व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। इंटेलिजेंट उसे माना जाता है जो दूसरों को बताता है। तो बेहतर क्या होता है कि हम चीज़ों को खुद पढ़ के समझें। तो इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कि अगर कोई डाउट हो तो इमीडिएटली जंप मत करें कि आप मेरे से पूछें या किसी दूसरे से पूछें। पहले उस चीज़ पर खुद रीड करके, यानी जो आपको बुक दी गई है उससे पढ़ के समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए, ज़रूर किसी दूसरे से पूछें। फिर भी ना समझ में आए तो मैं तो खैर आपके लिए अवेलेबल ही हूँ। थैंक यू।